हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम देखने वाले हैं राष्ट्रीय एकता दिवस। क्या आप जानते हैं कि हम राष्ट्रीय एकता दिवस क्यों मनाते हैं और किसकी याद में राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है? तो इस सारे सवालों का जवाब आपको इस राष्ट्रीय एकता दिवस पर निबंध इस वीडियो में मिल जाएगा। तो चलो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। परिचय। राष्ट्रीय एकता दिवस हर साल 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती को मनाने के लिए मनाया जाता है, जो भारत के पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री भी थे। सरदार पटेल संयुक्त भारत के पीछे का व्यक्ति। जब भारत को स्वतंत्रता मिली, सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के उप प्रधानमंत्री बने, साथ ही केंद्रीय गृह मंत्री का कार्यभार भी उन्होंने संभाला। जब अंग्रेजों ने भारत छोड़ा, उस समय लगभग 565 रियासतें थी जो स्वतंत्रता प्राप्त कर चुकी थी और उस समय भारत संघ में नहीं थी। अपनी काबिलियत का या सैन्य क्षमता का इस्तेमाल करते हुए सरदार पटेल ने भारत के संघ के साथ इन राज्यों को एकजुट करने का एक सराहनीय काम किया। वह अपने उद्देश्य में बहुत स्पष्ट थे कि भारत के नक्शे को उसके शुरू से लेकर अंत तक एकजुट किया जाना चाहिए। समारोह। राष्ट्रीय एकता दिवस पूरे देश में सरदार पटेल के लिए बहुत उत्साह और सम्मान के साथ मनाया जाता है। स्कूलों में विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जहां बच्चों को सरदार पटेल के जीवन, उनके कार्यों और स्वतंत्रता के बाद के भारत में उनके योगदान के बारे में बताया जाता है। कई वरिष्ठ राजनेता भी सरदार पटेल का स्वागत करते हैं और उनकी प्रतिमाओं और चित्रों को पुष्प अर्पित कर उनका सम्मान करते हैं। इसी तरह के स्मृति कार्यक्रम देश भर के कार्यालयों में और शैक्षणिक संस्थानों में भी आयोजित किए जाते हैं। निष्कर्ष। राष्ट्रीय एकता दिवस भारत के राजनीतिक रूप से एकजुट मानचित्र के पीछे के व्यक्ति को याद करने और उनके जन्मदिन को मनाने के लिए एक दिन है। सरदार पटेल भारत की एकता के लिए अपने योगदान में अतुलनीय थे और वह एक दिन भी कम है जब हम उन्हें सम्मानित कर सकते हैं। आशा करती हूँ कि आपके सवालों का जवाब आपको ज़रूर मिल गया होगा और आज का ये निबंध आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।